नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं जिसमें भिखारी अचानक से अमीर निकल जाता है, तो कभी किसी की लॉटरी निकल जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक सब्जी विक्रेता रातों रात उस पर्ची से रईस करोड़पति बन गया, जिसे उसने खुद कूड़ेदान में फेंक दिया था। दरअसल मामला कोलकाता का है। यहाँ ठेले पर एक सब्जी बेचने वाले ने उस टिकट पर 1 करोड़ का इनाम जीत लिया, जिसे उसने कूड़े में फेंक दिया था। हुआ ये कि उसने लॉटरी के कुछ टिकट खरीदे थे, इसके बाद उसका लॉटरी में इनाम भी निकल आया, लेकिन उसको लगा कि वो इनाम नहीं जीत पाया। इसके बाद उसने अपने टिकट कूड़ेदान में फेंक दिए, लेकिन बाद में उसे जानकारी मिली कि उसे एक टिकट पर 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है। सब्जी बेचने वाले का नाम सादिक है और वो कोलकाता के दमदम इलाके में ठेले पर सब्जी बेचता है। सादिक ने अपनी पत्नी के साथ नए साल के दिन पहले लॉटरी के 5 टिकट खरीदे थे। 2 जनवरी को लॉटरी के इनामों का ऐलान हुआ तो उसे बताया गया कि इनाम नहीं मिला है। सादिक ने इसके बाद अपना टिकट कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन अगले दिन सादिक को जिन्होंने लॉटरी बेचा था उन्हीं दोस्तों ने बताया कि उसे 1 करोड़ का इनाम मिला है। इसके बाद सादिक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सादिक अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई तो दोनों वो टिकट ढूंढने में लग गए। आखिरकार घर के कूड़ेदान में ही उन्हें वो टिकट मिल गया जिस पर 1 करोड़ निकला। सादिक और अमीना ने अपने बच्चों के लिए एक SUV बुक कराई। अमीना ने बताया कि लॉटरी के इन पैसों से उनका जीवन बदल जाएगा।